अगर मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन होती है उसको हल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फॉर्मूला। फॉर्मूला सर। अगर फॉर्मूला ना हो तो क्या कर सकते हैं? कुछ करो नहीं सर, मैन्युअली कर कुछ। चाहे फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर हम मैन्युअली भी कुछ नहीं कर सकते, राइट? यस सर। अगर फार्मूला ना हो तो मैन्युअली भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? फार्मूला का होना कितना जरूरी है, उसको उसके सॉल्यूशन के लिए फार्मूले के होने जरूरी हंड्रेड होता है, परसेंट बिल्कुल। तो आज मार्केट का फार्मूला दे रहा हूं, मार्केट को समझना और उसको हल करने का फार्मूला, ठीक है? हाँ हमारे पास 6 फार्मूला है मार्केट सर। के। ये नंबर 1 फार्मूला, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक पहले से लेके नंबर 6 तक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है? इसको हल कैसे करेंगे देखें। मार्केट में एक सेटअप बनता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है ये, और एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है? और उसके बाद भी दूसरी रेड। अब ये 2 रेड कैसे भी बन सकती हैं, ये ऐसे भी बन सकती हैं, पहले इसको क्रॉस भी कर सकती है। मतलब ये 2 रेड किस भी किस्म की कैंडल बन सकती हैं, ये एक ग्रीन किसी भी किस्म की कैंडल बन सकती है। इसमें विक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने बोला था कि रेड कैंडल में विक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दूसरी रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी साइज क्या है और इनमें विक कितना कितना बड़ा है और क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये चाहिए कि पहली कैंडल का कलर ग्रीन है, यस, दूसरी का रेड है, यस, तीसरी का रेड है, यस। बस मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये 3 चीज चाहिए। 3 चीज चाहिए। उसमें से देखना क्या है, ग्रीन, रेड और रेड। अब ये साइज के ऊपर कोई बात नहीं है, इसके कलर के ऊपर सारी बात है, ठीक है? तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि पहली ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, रेड छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जितने भी फार्मूला हैं, 6 फार्मूला, कितने सिक्स मार्केट में 50% सही काम करते हैं, कितने फीसद? 50% अगर हर जगह पे देखोगे, कोई भी सेटअप नहीं छोड़ोगे, तो 50% ये काम करेंगे। अगर थोड़ा सा फिल्टर करोगे, 2 ट्रेंड निकाल दोगे, ट्रेंड को निकाल दो, बचा क्या, रेंजिंग, राइट? इतना फीसद काम करेगा। फिर ओके। ट्रेंड के साथ करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 50% ट्रेंड को हटा दो तो 90% 90। अब इसको एज ए स्ट्रेटजी तौर पे यूज करो, आप लोगों की मर्जी है। इसको एज ए प्रिडिक्शन यूज करो, आप लोगों की मर्जी है, जो भी आप लोगों को सही लगे, ठीक है? लेकिन इस सेटअप को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे पहले ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसके बाद एक रेड, दूसरी रेड। इस फार्मूले के मुताबिक अगली कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन
ग्रीन। अब ये बड़ी बन सकती है, छोटी बन सकती है, इसमें विक आ भी सकता है, ऊपर से विक नीचे से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये पहला फार्मूला बना, राइट हो गया। उसके बाद फिर ये एक दूसरा फार्मूला बना, एक कैंडल को छोड़ो पहले वाली को, आखिरी तीन को गिनो, तो फिर एक और फार्मूला। रेड रेड ग्रीन किधर है वो? राइट, सेट ऑफ फोर। तो क्या होना चाहिए अगली कैंडल? रेड, रेड होनी चाहिए, राइट। लगा लो रेड, क्या लगा लो? रेड, राइट, रेड रेड ग्रीन रेड। अब आखिरी तीन कैंडल को फिर से गिनेंगे, आखिरी तीन कैंडल को। अब फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? ग्रीन, क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, राइट। चलो हम इसको लगा लेते हैं ग्रीन, सही है। अब फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? के तीन में ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड रेड, रेड होना चाहिए। फार्मूले ने काम नहीं किया, फार्मूले ने काम नहीं किया। अगली क्या बन गई? ग्रीन बन गया, ग्रीन बन गया। चलो कहीं पर तो फेल होना है, कहीं तो फेल होना है ना। चलो अब कौन सा फार्मूला है सर? रेड ग्रीन ग्रीन सर, रेड जाएगा अभी, अभी रेड आएगा सर। फॉर्मूला टू रेड आएगा अभी, ये रेड आ गया, ठीक है। अब आखिरी तीन कैंडल का फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है? ग्रीन ग्रीन रेड, क्या होना चाहिए सर? ग्रीन होगा, वेरी गुड, ग्रीन होगा सर अभी। अब आखिरी तीन कैंडल का फॉर्मूला क्या कहता है? सर रेड होगा, वेरी गुड। अब आखिरी तीन कैंडल का क्या कहना है, सही है? ग्रीन होगा सर, ठीक है। ये फार्मूला पहले आ गया, अब दोबारा भी आ गया है, राइट। ग्रीन रेड ग्रीन पहले आ चुका है, फिर दोबारा ग्रीन रेड ग्रीन आ गया है, दो दफा साथ में आ गया। तो पहले दफा ने काम किया, दूसरी दफा वाला काम नहीं करेगा, दूसरी दफा वाला काम नहीं करेगा। दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर उसको फॉलो नहीं करना। अब आखिरी ये फार्मूला क्या कहता है? रेड ग्रीन ग्रीन, क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, रेड होगा सर अभी, रेड होगा। सेटअप टू, अब क्या होना चाहिए? ग्रीन होगा सर, ग्रीन होगा। ओके, सेटअप थ्री, अब क्या होना चाहिए? बताओ। अब सर ग्रीन होगा ना, इन्वर्टेड है हमारे नीचे। फार्मूला क्या कहता है? ग्रीन रेड ग्रीन क्या होना चाहिए सर? डाउन होएगा, डाउन जाएगा ना। हाँ तमीम, सेटअप फाइव, सेटअप नंबर फाइव क्या कहता है सर? डाउन जाएगा, सेटअप फाइव सर। तो बुलिश एंगल, एक ग्रीन एक रेड, बेयरिश एंगल फिंग की रिट्रेसमेंट, और फार्मूला नंबर फाइव कहता है कि डाउन जाना चाहिए, राइट? राइट सर, एकदम राइट। कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई और फार्मूला कहता है कि अभी ग्रीन बनना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर सिक्स ग्रीन बनेगा, ग्रीन बनना चाहिए। सपोर्ट क्या कहती है? ग्रीन बनेगा। सपोर्ट क्या कहती है? ग्रीन बनना चाहिए, रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा। फॉर्मूला क्या कहता है? रिवर्स करेगा, ग्रीन बनेगा। अब देखो, पहले मैं सिर्फ फार्मूला के ऊपर बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन की तरफ जाना शुरू कर रहा हूँ, राइट। सपोर्ट कहती है ग्रीन बनेगा, फार्मूला कहता है ग्रीन बनेगा, तो मैं जाऊंगा ग्रीन के साथ। तो सर रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, डबल कंफर्मेशन। अब थोड़ा एडवांस नहीं जाओ आप लोग, सही है, जो पूछूं वो उतना जवाब दो बस।
उसके बाद, हाँ सर, उसके बाद मैंने देखा कि ये फार्मूला बना कि अगली कैंडल को रेड बनना चाहिए, अगली कैंडल को क्या बनना चाहिए, रेड बनना चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, ग्रीन रेड ग्रीन, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, बोलो रेड बननी चाहिए अगला, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है, हेलो, फार्मूला क्या कहता है सर, सर आपका वीडियो अटक रहा है सर, फॉर्मूला ये कहता है कि भी ग्रीन बनना चाहिए। ओके, मैं इसको कंप्लीट करूं फिर मैं इंटरनेट चेंज करूं। सेटअप सिक्स, सेटअप सिक्स, राइट सर। सर आप वाईफाई चेक, वाईफाई देख लो ना अपना सर, क्योंकि अटक रहे आप। ओके ओके, अच्छा मैंने इंटरनेट चेंज कर लिया, सही है। हाँ सर, अब मुझे ये पिक्चर पूरी का बताओ, क्या मार्केट ऐसे होती है या नहीं होती? हाँ सर, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है सर, ऐसे होती है सर, दिन भर ऐसे होती रहती है मार्केट। हमने मार्केट कहां से बनाई सर? ग्रीन से बनाई, डार्क कलर कवर से बनाया सर शुरू से। नहीं, हमने मार्केट बनाई फार्मूला से। हाँ हाँ, हमने मार्केट किससे बनाई? फार्मूला से, फार्मूला से बनाई। तो हम फार्मूला से अपनी मार्केट बना सकते हैं, तो जो रियल मार्केट बनती है वो भी फार्मूला से बनती है, रियल मार्केट जो बनती है वो भी फार्मूला से बनती है, फार्मूला से बनती है। जो प्राइस शो होती है ना हमें चार्ट के ऊपर, उसका कोई तो फार्मूला होगा ना, कभी सोचा है? ये कभी नहीं सोचा था हमने सर, नहीं सोचे, क्योंकि हर बार एक जैसी प्राइस, हर बार एक जैसी प्राइस क्यों बनती है? क्या हर बार शिवी मार्केट में ट्रेड करता है क्या, जो उसको आदत है कि जैसा पैटर्न बनाने की? दुनिया में मिलियन ट्रेडर्स हैं, कितने ट्रेडर हैं? मिलियंस, मिलियंस। जब वो सब ट्रेड करते हैं तो हर बार एक जैसे फार्मूले पे मार्केट क्यों चलती है? मतलब देखो, जो इनपुट आती है ना, जो एक बात को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक एम्पलीफायर है जो आवाज को कम करता है और बड़ा करता है। क्या करता है? आवाज को कम करता है और ज्यादा करता है। मैं एम्पलीफायर को बोलूं कि पिक्चर को कम करो या ज्यादा करो, कर सकेगा? नहीं सर, वॉल्यूम, उसके अंदर क्या चीज डाली हुई है कि भाई इसके अंदर एक फंक्शन है जो वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता है, इसके अंदर दूसरा फंक्शन नहीं है कि पिक्चर को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, राइट? यस सर, राइट सर, राइट सर। तो मार्केट के अंदर फीड आता है। मनीष, तुम्हारी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है, मैं अब म्यूट कर रहा हूं तुम्हें, गलत बात है ना, ये सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो, बीच में जब बात मेरी कट जाती है ना, तो फिर मुझे पढ़ाने का दिल नहीं करता। सॉरी सर, सर उसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक मोशन क्रिएट करता हूँ कि अब वो चीजें आप लोगों को समझानी है, वो फिर मोशन टूट जाता है सारा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको इतना संजीदा लिया करो, जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जाता हूँ और ये ऐसे टाइम पास हमारा नहीं है, ठीक है? देखें, इस मार्केट के अंदर एक प्राइस फीड है, प्राइस फीड है, फीड है, प्राइस फीड। जितने भी दुनिया के ट्रेडर्स हैं, उन सब का डेटा आता है इस जगह पे जमा होता है, यहां से रियल टाइम
आउटपुट होता है, कैंडल्स बनती है, इस पे कैंडल बनती है, बार बनती है, लाइन बनती है, जो भी कुछ बनता है, ठीक है, सब बनती है सब इस डाटा बुक पे। सारे दुनिया का डाटा एक जगह पे जमा होके रियल टाइम वहां से स्मूथ होके निकलता है। रियल टाइम वहां से क्या होता है, निकल के निकलता है स्मूथ। स्मूथ हमारे क्या है, प्राइस मूव है। स्मूथ हमारी प्यार क्या है, प्राइस मूव है। वो स्मूथ प्राइस मूव हमारी कैंडल्स बनाती है, वो कैंडल्स हमारे पैटर्न्स बनाते हैं, वो पैटर्न्स हमारे चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये स्मूथ प्रोसेस कहां पर हो रहा है सारा, ये इस जगह पे, इस जगह पे क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है डाटा, स्मूथ प्रोसेस हो रहा है यहां पर। जब ये प्रोसेस होता है ना, ये फिर मार्केट में लिख के आए ना कि पाकिस्तान से 5 लाख रुपए की बाइंग हुई, इंडिया से 10 लाख रुपए की बाइंग हुई, दूसरी कंट्री से इतनी हुई, दूसरी कंट्री से, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। हर जगह हमें कैंडल्स ही दिखती है, वो पूरी दुनिया के डाटा को एक जगह पे फीड करके वहां से स्मूथ रियल टाइम आउटपुट देते हैं। वो रियल टाइम आउटपुट हर बार एंगल्फिंग ही क्यों बनता है, राइट? हर बार एंगल्फिंग बनता है, हर बार ऐसा क्यों बनता है कि एक रेड बनती है, जब प्राइस को वापस नीचे की तरफ जाना होता है तो एक रेड बन के दो ग्रीन बन के फिर प्राइस नीचे जाती है। तो ये एक फार्मूला बन गया मार्केट का, मार्केट जाएगी तो ऐसे जाएगी, आएगी तो ऐसे आएगी, आने का फार्मूला, ऊपर बढ़ने का फार्मूला अलग है, नीचे जाने का फार्मूला अलग है, ये सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। हम जिनको रैंडम नंबर भी कह सकते हैं, हम रैंडम पैटर्न उठा के उसको जमा करें तो क्या बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा, राइट? तो हर बार प्राइस इसी तरीके से चलती है। अब ये जो ट्रेडर्स हैं, ये वाले ट्रेडर्स, ये बाय क्यों करते हैं, सेल क्यों करते हैं, डेफिनेटली ये पिछली मार्केट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन पढ़ के बाय और सेल करते हैं ना। हाँ, या आंखें बंद करके एक पर्ची उठाते हैं, अगर लिखा होगा बाय तो बाय करूंगा, अगर लिखा होगा सेल तो सेल करूंगा। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, मतलब के वो इसमें से कुछ देखते हैं, इसमें से कुछ देखते हैं कि हमने बाय करना है या सेल करना है। इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये ऊपर तो जाएगी, अब ऊपर किसके हिसाब से जाएगी, जो ऊपर का फार्मूला है उसके हिसाब से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो नीचे के जो फार्मूला है उसके हिसाब से जाएगी, रेंज करेगी तो रेंज का जो फार्मूला है उसके हिसाब से रेंज करेगी। तो मार्केट को समझो, मार्केट को समझो, हर दिन डिमांड में फर्क होता है, हर दिन डिमांड और सप्लाई के अंदर फर्क होता है, लेकिन हमें कैंडल्स क्यों हर बार एक जैसी मिलती हैं, सोचने की बात है ना। हर एक टाइम, हर एक मिनट के अंदर डिमांड और सप्लाई के अंदर फर्क नहीं आ सकता, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कैसे, कभी फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो सेम ही प्राइस के स्ट्रक्चर क्यों बनाती है, मतलब ये प्राइस क्या है, स्मूथ होके निकलती है एक जगह से। जो हमारा फीड प्रोवाइडर है, जिसको हम कोट प्रोवाइडर कहते हैं, कोट का मतलब होता है डेटा, और वो कोई प्रोवाइड करता है, वो कोट प्रोवाइडर। हम अगर सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेटेड करें, अभी शिव का कारोबार है, शिव सारी चीजें नोटबुक में क्या करता है, लिखता है कि भाई एक बंदा आया, उसने ये परचेज किया, इसने ये सेल किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया। तो अगर मैं शिव से पूछूं कि क्या रिपोर्ट है, शिव कहेगा सर ये बुक के सामने देखो, ये रिपोर्ट है। अब उस बुक में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट है? अगर मैं ये डेटा एक कंप्यूटर में फीड कर दूं और एक मैं यहां पर ग्राफ बना दूं, बाय
के लिए मार्केट ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, सेल के लिए ग्राफ नीचे की तरफ जाए, ये ग्राफ बन गया अभी तक का 2 घंटे से। ये ग्राफ देखना आसान है या फिर ये बुक में एंट्रीज देखना आसान है? ग्राफ आसान है, ग्राफ आसान है ना, लेकिन रियल टाइम में जो मार्केट के अंदर ऑर्डर प्लेस होते हैं वो बुक में है ऑर्डर प्लेस होते हैं। किसमें होते हैं? बुक में। वो बुक कंप्यूटराइज्ड बुक है। वो बुक क्या है? कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है। वो बुक डायरेक्टली एक सेल हुई, बुक में आ गया, सेल हुई, मार्केट ने सेल किया, ठीक है। दूसरी सेल हुई, मार्केट ने क्या किया? सेल किया। दूसरी बाय हुई, मार्केट ने क्या किया? बाय किया। अब ये सेल है, ये सेल है, ये बाय है, ठीक है। सेल की तादाद होगी, क्वांटिटी होगी 40, 50, 35। 40 के हिसाब से ये कैंडल बनी, 50 के हिसाब से ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी, बाय की कैंडल 35 के हिसाब से थोड़ी सी छोटी बनी 50 से, राइट। हमारे पास क्या बन गया? ये एक मूवमेंट बनी और कैंडल में मूवमेंट हमने देखी। अब इस पूरी मूवमेंट के अंदर अगर दोनों मूवमेंट को मैं मिलाऊं तो 90 सेल की मूवमेंट है, 35 बाय की मूवमेंट है। रुझान किसका है? सर सेल का है। रुझान सेल का है, ठीक है। एक सेल की मूवमेंट आती है 110, कितनी? 110। कैंडल बड़ी बन गई। अब मैं सोचूंगा कि यार 90 और 110 होता है 200 की सेल हो चुकी है, अब सेल हो सकता है कि ना हो, क्योंकि बहुत माल बिक चुका है, बहुत माल बिक चुका है, बिक चुका है। तो अब मार्केट में हो सकता है कि सेल ना हो, अब हो सकता है कि वापस अब बायर आना शुरू हो जाएं, क्योंकि अब जब माल खत्म हो जाएगा तो फिर बायर जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर बायर वापस आना शुरू जाते हैं, फिर बाय होता है। मतलब कि जितने भी ऑर्डर होते हैं वो हमारे बुक में लिखे जाते हैं और फिर वो बुक डायरेक्टली सुपर कंप्यूटर्स के जरिए इन कैंडल्स को कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ये सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट है कि रियल टाइम कन्वर्ट करता है। इधर क्लिक हुआ ऑर्डर का, इधर क्लिक हुआ कैंडल की मूवमेंट का, राइट। तो इतने जल्दी में होते हैं, लेकिन हम जो बाइनरी में ट्रेड करते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। मार्केट की मूवमेंट के अंदर जो बाइनरी में अगर हम 1,00,000 रुपए की परचेजिंग करें या 1,00,00,000 रुपए की परचेजिंग करें, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये डेटा फॉरेक्स में नहीं जाता जो हम बाय करते हैं सेल करते हैं। लेकिन फॉरेक्स के अंदर कोई बाय करेगा या सेल करेगा, वो फर्क हमें बाइनरी के अंदर चार्ट में जरूर दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला बना लिए, मैंने क्या किया, ये फार्मूला बना लिए छोटे छोटे, ये प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा मार्केट में पाया जाता है कि भाई अगर इस तरीके की कैंडल बने तो अगली कैंडल प्रेडिक्ट ये फार्मूला करेगा, और अगर साथ में आपकी एसएनआर भी कहता है रिवर्सल करो, फार्मूला भी कहता है रिवर्सल करो, तो दोनों ने जवाब क्या दिया? रिवर्सल करो, तो हम रिवर्सल करते हैं। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कहता है कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस या स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स करो। फार्मूला क्या कहता है? रिवर्स करो। तो फिर मैं रिवर्स करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब ये मैंने पिक्चर सेव कर लिए, अब मैं यहां पर आता हूं। यहां पर मैंने एक ग्रीन कैंडल बना ली, ये कैंडल कौन सी दिखती है, स्ट्रांग दिखती है या वीक दिखती है? चलो तो नेक्स्ट कैंडल पे पता चलेगा। ये वाली कैंडल जो इसकी इसकी शेप के हिसाब से स्ट्रांग है, स्ट्रांग है सर, ओपन वाला रोज है। अगली कैंडल फार्मूला के हिसाब से क्या बननी चाहिए? ग्रीन बननी चाहिए, राइट राइट सर, ग्रीन बनेगा अगला।
और यहां पर हमारे क्या बनी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बनी, सही है? सही है सर। फार्मूला कहता है कि ग्रीन बनना चाहिए। एक कैंडल बनती है ये वाली, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या कहता है? रिवर्स बनेगी अगला ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहती है कि बाकी रिवर्स करेगी, राइट? शिव सही कह रहा है। सेटअप फोर भी कहता है, सेटअप फोर भी रिवर्स करेगा। वेरी गुड। सेटअप फोर क्या कहता है? रिवर्स करेगा सर। सेटअप फोर भी एक ही बात कहता है, रेड रेड ग्रीन। वेरी गुड। ये बात समझाना चाह रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस कहती है या ब्रेकआउट कहता है रिवर्स करो, तो फार्मूले से मदद लेंगे। फार्मूला भी कहता है कि रिवर्स करो, पक्का पक्का रिवर्स होगा, तब ट्रेड लेंगे। तब ट्रेड लेंगे, जो चीज बताना चाह रहा हूं। समझ गए सर। पर ये सिर्फ रेंजिंग मार्केट के लिए बताया ना आपने, हर जगह के लिए सर। ट्रेड में तो 50% काम करेगा, खाली फार्मूला यूज करोगे 50% काम करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ करोगे तो 90% काम करेगा, ठीक है ना? मैंने शुरू में बताया था कि हम खाली फार्मूले के ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे ना तो 50% काम करेगा। अब मैं क्या ऐड कर रहा हूं इसके अंदर? यस सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दिया, ठीक है? अब मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने पहला ट्रेड ये विन कर लिया, अभी मैं छोड़ रहा हूं मार्केट को, अभी देख रहा हूं, एक मिनट को मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हर मिनट के ऊपर ट्रेड करूं, ठीक है? मैंने एक मिनट के लिए इंतजार किया, फार्मूला ने काम, चलो काम नहीं किया, खाली फार्मूला ने काम नहीं किया। सपोर्ट क्या कहती है? रिवर्स करो। सपोर्ट क्या कहती है? रिवर्स करो। ग्रीन रेड रेड का फार्मूला क्या कहता है? रिवर्स करो सर। सेम है सर, सेटअप वन है सर। तभी मैं बाय करूंगा। बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सर। स्ट्रॉन्ग है। फार्मूला क्या कहता है? रिवर्स होगा, रेड होगा। रिवर्स करो सर, रेड बनेगा अगला। अगला रेड बनेगा। सेटअप फोर, सेटअप फोर। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है सर? हाँ सर, अभी बहुत आ रहा है। अभी पैसा छापेंगे सर? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं छापना है, इसीलिए तो पढ़ रहे, ठीक है? मैचिंग लगाएंगे घर पे। अभी यहाँ पर मैचिंग लगानी है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, साथ में फार्मूले को भी देखते हैं, ठीक है? अक्सर ये काम करेगा, कभी कभार फेल होगा, अगर फेल हो तो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? ओके सर। मनी मैनेजमेंट, बिल्कुल। मतलब सर एक छोटा सा सवाल पूछ लो। हाँ हाँ पूछो। अगर मार्केट ट्रेंड में हो मान लो, और ये पैटर्न बन जाए, हाँ ट्रेंड में हो, तब भी वो काम करेगा? मतलब अब ट्रेंड आपको कहता है, बिल्कुल। अब वो ट्रेंड के ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है ना, आसान छोटी सी बात नहीं है, सारी चीजें क्लियर करूंगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोगों की सारी बात क्लियर हो जाए। चलो भाई, यहां से हम स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है? ये एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, सही है? हाँ सर, रिवर्स किया ब्रेकआउट के बाद। फार्मूला क्या कहता है? सर ग्रीन होगा। ग्रीन होगा सर, रिवर्स करने को कहता है फार्मूला। फार्मूला रिवर्स करने को कहता है, सेट ऑफ वन, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट भी रिवर्स करने को कहता है, सही है? डबल कंफर्मेशन हो गई। और जब हमें दोनों आंसर सेम मिलेंगे, हम तब ट्रेड करेंगे। हम अपना लक नहीं आजमाएंगे, या हम अपनी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट हमारे रूल से नहीं चलेगी, मार्केट हमारे रूल से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये रेड कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है, जो राउंड नंबर की सपोर्ट है, ठीक है? 3080। फार्मूला क्या कहता है? रिवर्स करेगा। सपोर्ट क्या कहती है? रिवर्स करेगा। दोनों क्या कहते हैं? रिवर्स करेगा सर। और ब्रेकआउट क्या कहता है?
रिवर्स रिवर्स करेगा, दोनों सेम है सर, ट्रेल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर। यहां पर फार्मूला क्या कहता है कि रेड बनना चाहिए, फार्मूला क्या कहता है? रेड बनना चाहिए सेटअप। और एक इनसाइड बार के बाद कंटिन्यूशन की साइन आती है, वो क्या कहता है सर? यहाँ पे रेड क्यों बनेगा सर? ये तो सेटअप सिक्स है ना, पीछे का काउंट करे तो नहीं, रेड ग्रीन रेड। मैं इसके मैं खाली इसको सिर्फ काउंट कर रहा हूं, तीन कैंडल को। ठीक है, ओके, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन और रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, तो क्या क्या होना चाहिए? रेड बनना चाहिए, राइट? रेड होना चाहिए, रेड होना चाहिए। लेकिन ये प्राइस एक्शन का पैटर्न इनसाइड बार साथ में उसकी कंटिन्यूशन साइन, ये क्या कहते हैं? ग्रीन बननी चाहिए। अब दोनों जब फार्मूला और प्राइस एक्शन आपस में मुत्तफिक नहीं है तो पर हम छोड़ देंगे इसको, ट्रेड ही नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन कह रहा है कि भाई ग्रीन बनना चाहिए और हमारा फार्मूला कह रहा है कि रेड बनना चाहिए। जब दोनों में कंट्राडिक्शन आ जाएगा, दोनों अलग अलग जवाब देंगे, अपोजिट जवाब देंगे, तो मार्केट से दूर रहो, मार्केट से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, यह बात याद रखनी है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना ना सर। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग से मार्केट चलनी भी नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ सर, लेकिन एक बात है कि रेंजिंग मार्केट में तो आई थिंक हर कैंडल ही ऐसा कोई ना कोई पैटर्न बनाएगी, तो इसलिए तो फार्मूला बनाए। तो मतलब जैसे जैसे मार्केट में कैंडल्स बनती चली जाएंगी, साथ ही साथ वो आगे फॉर्मेट भी बनता चला जाएगा, बिल्कुल, ट्रेड लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, ओके अब सर। अब देखो ये तीन कैंडल बनी, ग्रीन ग्रीन रेड, फार्मूला बन सर, गया सेटअप सेवन, सेटअप सेवन सर, सेटअप सेवन, सेटअप सेवन के बाद रिवर्सल है। ठीक है, हाँ सर, तो रिवर्सल हुआ, सही है? हाँ सर। अगर सेटअप सेवन और प्लस में सेटअप नंबर थ्री, सेटअप सेवन और सेटअप नंबर थ्री दोनों क्या कहते हैं? ग्रीन बनना चाहिए। हाँ हाँ सर, बना उसके बाद ये सेटअप थ्री है और ये सेटअप सेवन है, राइट? हाँ सर, ट्रिपल कंफर्मेशन अभी, और साथ में ब्रेकआउट भी है राउंड नंबर का, इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ठीक हाँ है, सर, तो मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये सेटअप नंबर कौन सा बना? छह। सेटअप नंबर कौन सा बना? छह सर, उसके बाद रिवर्स किया फिर से, छह बना या सेटअप नंबर पांच बना? पांच बना सर, सेटअप नंबर छह, पांच सर, पांच पांच रेड ग्रीन रेड है, चलो पांच नंबर बना। ठीक है, ग्रीन रेड ग्रीन, तो इसने रेड बना दिया। ठीक है, परफेक्ट, इसने रेड बना दिया। अब ये मैंने सारे आपको पैटर्न भी दिखाए, साथ में मार्केट के अंदर भी आपको चीजें दिखाई। अब मैं इसमें चीजें आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है ना, इतना आसान होता नहीं है ना कि एक घंटे के अंदर हम पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, लाजमी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता वो मैं एलिमेंट्स पढ़ाता जाऊंगा, एक साथ पढ़ाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, ओके सर, क्या बन रहा है? हमारी प्रेडिक्शन के फार्मूला के हिसाब से मार्केट चल रही है अगले 10-15 मिनट से। हाँ सर, बताएं, अभी एक ग्रीन ही बनेगी, ग्रीन ग्रीन रेड, ये सही बनी, हाँ सर, ये गलत बनी, ये सही बनी, ये सही बनी, ये सही बनी, ये सही बनी, तो कितनी प्रेडिक्शन हमारी सही हुई? 90%, 1, 2, 3, 4, चार पांच छह, चार मतलब चार प्रेडिक्शन और सही हुई और एक हमारी गलत हुई, राइट? हाँ सर, और इसके अंदर एक गलत होगी, एक गलत होगी, एक ट्रेड जहां पर आपका लॉस होगा, आपने अगला ट्रेड डबल लगाना है, स्मार्ट एंगल, स्मार्ट एंगल, अगला ट्रेड क्या करना है? डबल लगाना है, डबल लगाना है। अगर अगला ट्रेड भी लॉस हो गया तो बस स्टॉप ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्टॉप, तीसरा स्मार्ट एंगल नहीं लगाएंगे। वेट फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट
अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरा मार्टिकल नहीं लगाएंगे, पहला ट्रेड हमने एक डॉलर का किया, दूसरा ट्रेड ये पहला लॉस हो गया तो फिर हम दूसरा ट्रेड कितने का किया, $2 ये विन हो जाएगा, नहीं हुआ विन तो $1 का लगाना है, फिर बैक टू नॉर्मल, फिर स्टॉप, फिर एक पैटर्न बनेगा, एक फार्मूला का पैटर्न बनेगा और वो सक्सेसफुल बनेगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। यहां पर एक सक्सेसफुल फार्मूला बना, यहां पर हमने ट्रेड क्यों किया, इवनिंग स्टार, यहां पर ट्रेड हमने क्यों किया कि ये फार्मूला सक्सेसफुल हो गया, ये हमारा टेस्ट बना, क्या बना हमारा टेस्ट, पहला सक्सेसफुल हुआ, इस पर ट्रेड हमने नहीं किया, इस पर ट्रेड हमने नहीं किया क्योंकि देखा सिर्फ, हमने देखा कि यार जब ये फार्मूला पहला बनेगा ना तो आगे 5 फार्मूले बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 पहला टेस्ट होगा और आगे 5 हम ट्रेड करेंगे, कितने, 5 ट्रेड करेंगे फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होगा, यहां पर मैं 5 लिख रहा हूं, अब मैं इसकी मनी मैनेजमेंट बात कर रहा हूं, ठीक है, कभी पहला विन होगा, दूसरा विन होगा, तीसरा लॉस हो जाएगा, चौथा विन हो जाएगा, पांचवा विन हो जाएगा, ठीक है, कभी ऐसे होगा, हाँ सर, कभी ऐसे होगा कि अब ये जो इस रो में कितने लॉस हैं, एक एक एक, अब सर, ये एक लॉस कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए मैं इस सेटअप को आगे पीछे नहीं कर रहा, आप समझ जाएं कि ये लॉस कभी यहां हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, राइट, नहीं भी, यस सर, हाँ सर। दूसरे सेटअप के अंदर एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, मतलब दूसरे सेटअप में हमारे कितने लॉस हुए टोटल, 2 और दोनों रिकवर हो गए, ये भी रिकवर हो गया, राइट, हाँ सर। फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी ऐसी बनेगी कि हमारे 3 लॉस होंगे, कितने, 3 लॉस, पहला लॉस हुआ, दूसरा विन हुआ, ये खत्म हो गई कहानी, फिर लॉस हुआ, फिर विन हो गया, ये भी कहानी खत्म हो गई, आखिरी फिर लॉस हुआ, 5 के बाद छोड़ देंगे, 5 के बाद छठा ट्रेड नहीं करेंगे, छठा ट्रेड अभी इस सीरीज में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अभी छोड़ दो इसको, ऊपर कल करेंगे, अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो 60 सेंट इसमें से बचे थे, 60 सेंट इसमें से बचे थे, $1.20 तो हमें बच गए, $1 का लॉस हो गया, टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 20 सेंट का हुआ, मतलब लॉस में नहीं गए हम, ठीक है, तो यहां पर भी हम रिकवरी में आ गए। एक सेटअप ऐसा बनेगा, पहला भी लॉस, दूसरा भी लॉस, छोड़ दो, स्टॉप, क्या आप करेंगे, स्टॉप, कभी कभार ऐसा होगा, पहला विन, दूसरा विन, तीसरा विन, यहां पर स्टॉप करेंगे, ठीक है, कभी कभार क्या हुआ, 2 विन होगा, यहां पर 2 लॉस हो जाएगा, यहां पर स्टॉप करेंगे, कभी कभार ऐसा होगा, पहला विन होगा और 2 लॉस होंगे, यहां पर स्टॉप करेंगे, कभी कभार पहले ही 2 हमारे ट्रेड लॉस होंगे, राइट। अब यहां पर देखें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, अगर पहले ही, अगर शुरू के ही 2 ट्रेड हमारे लॉस हो गए तो हमें कितने डॉलर का नुकसान हो गया, 2-3 डॉलर का, राइट, तीन कैसे, 2 लगाए तो 2 ही होगा, स्मार्ट एंगल यूज किया ना, नेक्स्ट स्मार्ट एंगल यूज किया, हां समझ गया, जब ये वाले सेटअप पे अगर आपका लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा, $3 का लॉस हुआ और -80 सेंट प्रॉफिट हुआ था पहले ट्रेड पे, राइट, 80% के हिसाब से, तो हमारा 2.20 का लॉस हुआ, दूसरी दफा में कितना लॉस हुआ, 2.20 का, यहां पर 2 हमारे ट्रेड विन हुए थे, $1.60 हमारा पे विन हुआ था और 3 हमारा लॉस हुआ, तो यहां पर 40 बना और यहां पर 1 बना, राइट,
सही हुआ ना? हाँ सर। तो अगर ऐसा होगा, दो पहले विन होंगे फिर दो लास्ट होंगे, तो हमारे कितना नुकसान होगा? 160 का। अगर तीन हमारे पहले विन होते हैं तो कितने विन हुए? 80 80 80 80। 2.40। और लास्ट कितना हुआ? तीन का बचा कितना? 0.60 का लॉस। ठीक है, अब ऐसा हाँ नहीं है कि हर बार आपके $3 का लॉस होगा, ये बात नहीं सोचो कि हो सके हर बार $3 का लॉस होगा। $3 का कभी कभार लॉस होगा, नहीं तो कभी 60 सेंट का नुकसान होगा, कभी 1.60 का नुकसान होगा, कभी 2.20 का होगा, कभी कभार कोई आपके $3 का लॉस होगा। तो ये आपके लॉसेस जो होंगे रिकवरेबल है या नहीं है? 100% है सर, है सर। कोई बड़ी डील नहीं है, डर भी नहीं लगेगा। हाँ क्या ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो क्या होगा? $3 का होगा। ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो $3 का, नहीं तो कम से कम लॉस 60 सेंट का होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? $3 का। बड़ी बात नहीं है। चलो इसमें प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट कितना कर सकते हैं? चलो प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। $4 सर। अभी यहां पर चलते हैं, एक ट्रेड लॉस होगा, अगर एक ट्रेड लॉस हुआ तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? $8 नहीं, पहले 8 into 3, पहले 8 into 3 करें, ठीक है? कितना हुआ आपका? 180। ठीक है, एक का लॉस हुआ, दूसरा का आपने मार्टिंगल लगाया तो आपको 160 मिला, मतलब कितना बचा? 80 बचा वापस। हाँ हाँ सर। सर वो 8 3 से 24 होता ना, तो $2.40 होगा ना? हाँ सही है, मैं कैलकुलेटर जानबूझ के यूज नहीं करा ताकि मैं आप लोगों का टाइम स्पेंड करूं, ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है सर, क्योंकि कभी कभार हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी में कैलकुलेशन तो आ जाती है लेकिन हमारा ध्यान नहीं आता, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये मनी मैनेजमेंट आप लोगों के जहन में कैसे फिक्स होगी जब मैं मैनुअल इसको जो है ना टेक प्लेस करूंगा। ठीक है, 240 का हुआ राइट? हाँ। अब हाँ, एक लॉस हुआ और एक विन हुआ। $1 का लॉस हुआ जब मैंने $2 का ट्रेड लगाया तो मुझे 1.40 मिला राइट? यस। एक लॉस चला गया तो मुझे कितना बचा? 40। तो मुझे कितना टोटल प्रॉफिट हुआ इसमें? 280 मतलब $2.80। हाँ, जब यहां पर हुआ पहला तो मुझे $1 का प्लम मिला, कितना मिला पहले? पहले 80 का, $1 का 80 का। उसके बाद यहां पर मुझे इसका कितना मिला? 40 मिला राइट? 40 सेंट। यस। फिर मुझे कितना मिला? 40 सेंट। और 40. फिर मुझे कितना मिला? 80 और 80 160 और 2.40। हाँ सर। ठीक है, इस कंडीशन में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 2.40। अब ऐसे ही होगा, अगर सारे ट्रेड विन होंगे तो आपको $4 का तक का प्रॉफिट होगा, अगर एक आधा लॉस होगा, एक आधा क्या होगा, तो फिर ये कम होता होता आखिरकार प्रॉफिट आपको, आखिरी प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा? 60 सेंट का मिलेगा। मतलब कि इसी तरीके से अब देखो 6 पॉसिबिलिटीज हैं प्रॉफिट की और 3 पॉसिबिलिटीज 4 पॉसिबिलिटीज हैं लॉस की। क्या इन 4 लॉस की पॉसिबिलिटीज में हर बार 3 आता है? नहीं सर, नहीं। और इसी तरीके से प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी में क्या हर बार 4 आता है? नहीं, नहीं सर। मतलब के जो एक रिस्क होती है ना कि यार बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा। और $3 का अगर एक दफा में लॉस हुआ तो दूसरी दफा $4 अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा राइट? यस। अब यहां पर देखो इस मार्केट के अंदर मैंने सेव कर दी पिक्चर को, यहां से एक दोबारा सेटअप बना था ये वाला राइट? राइट सर, ग्रीन ग्रीन रेड।
ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, अगर ये ग्रीन बन गई तो ये भी विन हो जाएगा, राइट। अगर ये ग्रीन नहीं बनी तो हमारे कितने लॉस हो जाएंगे साथ में, दो दो विन दो लॉस, तो यहां पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, यहां पर स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अभी ना रेंजिंग मार्केट का ख्याल करना है ना ट्रेंडी मार्केट का ख्याल करना है, हर मार्केट के अंदर पहला सेटअप बन जाए तो अगले सेटअप पे ट्रेड करना है, और आगे एक पैटर्न बनने के बाद, एक पैटर्न, टेस्ट पैटर्न, इसको मैं कहता हूं टेस्ट पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न बना, इसने इसने सही जवाब दिया, इसने सही जवाब दिया, तो आगे पांच जवाब भी सही हो सकते हैं। अब ये भी विन हो गया, ये हमारा जो हमारा लास्ट हुआ था एक, और उसने रिकवर कर दिया, अब रेड बनना चाहिए स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्या कहते हैं? चलो स्ट्रेटजी याद करना पड़ेगा, लाल लाल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये तो फिंगर टिप रेड बनेगा सर, आपको फिंगर टिप के ऊपर याद करना चाहिए, समझ रहे? हाँ सर, अभी वही करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो याद हो गया, ये आपको ऐसा तरीका है जिसमें मार्केट की आप प्रेडिक्शन करना सीख रहे हैं, ठीक है। आप अभी के लिए सिर्फ इसके ऊपर इतना ट्रेड करेंगे कि ये आपको पैटर्न याद हो जाए। इसके बहुत सारे फंक्शन है, इस फार्मूला के बहुत सारे फंक्शन है, इसको जो एक प्रो ट्रेडर होता है ना, कभी बाय करता है, कभी सेल करता है, कभी सेल करता है, कभी बाय करता है, हम देखते रहते हैं कि इसको कैसे पता चला कि ये बाय करना है यहाँ पर, इसको कैसे पता चला कि यहाँ पर सेल करना है, और कोई लॉजिक नहीं है, ये वाला फार्मूला है तो श्योर शॉट बोलते हैं उसको लोग, श्योर शॉट, सौ डॉलर महीने का। शुरू में आप लोगों का नुकसान होंगे इस फार्मूले के ऊपर, क्योंकि जब तक ग्रिप नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं ट्रेड करता हूं, मुझे पता है कि कहां पर ट्रेड करना है, अब कहां पर ट्रेड नहीं करना, कहां पर कंटिन्यू करना है, कहां पर नहीं करना, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद आपको चीजें याद आएंगी। लेकिन मार्केट का फार्मूला यही है, मार्केट का फार्मूला यही सेम है, यही है, क्योंकि इस फार्मूले के हिसाब से आप यहां पर पीछे जाएंगे, जितने भी आप लोगों ने ट्रेड देखने हैं ना, आप देखें आपके हर जगह पे, देखो इस मार्केट के अंदर देखें, यहां पर ये दो कैंडल बनी, एक डाउन ट्रेंड था, हमने देखा कि यार एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड बनती है, फिर दो ग्रीन बनती है, ज्यादा चांस है, फार्मूला कहता है कि रेड बननी चाहिए, फार्मूला क्या कहता है, रेड बन गई, रेड बननी चाहिए, और रेड बन गई। डाउन ट्रेंड में मैंने सेल किया, अगर ये अप ट्रेंड में बनता तो मैं ऐसे इसको ट्रेड नहीं करता, मैंने डाउन ट्रेंड में किया, क्योंकि मैंने डाउन ट्रेंड का एक चांस ले लिया, राइट हो गया। अब मैं अप ट्रेंड में चला गया, एक ग्रीन के बाद दो रेड बनी, अब मैं अप ट्रेंड का फायदा उठाते हुए फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे एक ग्रीन बना नेक्स्ट, फिर एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मैंने देखा कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में, बायर स्ट्रांग लग रहे हैं, एक फार्मूला भी बनता है, क्यों ना मैं इसको ट्रेड कर लूं, और बाय बन गया, बाय बन गया। हाँ सर, अब अप ट्रेंड में मैं हूं और एक फार्मूला दोबारा बनता है यहां पर, क्यों ना इसको ट्रेड कर लूं, ट्रेड कर लूं, राइट राइट सर। ये प्रेडिक्शन होती है, हम ऐसे करते हैं प्रेडिक्शन, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है फीड अंदर हमारे, ये इसी फार्मूला के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो फार्मूला आप लोगों को समझाया, लेकिन इसके ऊपर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को, कोशिश करें। अभी कोई सवाल वगैरह है तो पूछे मुझसे, सर सवाल तो मैं ट्रेड करने के बाद ही पूछूंगा, हाँ अभी ये अभी बात वीडियो देखूंगा अच्छे से, ये क्योंकि इस वीडियो में शॉर्ट ट्रेड लूंगा सर, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की है, ठीक है। अब ट्रेड करने के बाद आपके सवाल जनरेट होंगे, वो जायज सवाल होंगे, ठीक है ना, और ये वीडियो आप लोग, मैं आज जल्दी करूंगा, कल मैं मसरूफ हो गया था, वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था, आज तो मैं अभी फौरन कर दूंगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, क्या कह रहा था, चली गई सर, अभी भेज दिया, मुझे याद आ गया, ग्रुप पे भेज दीजिए, मुझे याद आ गया कि ये याद कैसे होंगे, ठीक है ना, मारने का, नहीं 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 नहीं, ये मैंने एक पैटर्न बनाया, तीस सेकंड लगे मुझे इस बनाने में, हाँ हाँ सर, ये इस पैटर्न को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर या कागज पेन हाथ में ले लो, उसके ऊपर 20 दफा ड्रॉ करो,
कितनी दफा ड्रा करो? मैं 30 बार करूंगा, 30 दफा, 20 दफा, जितनी दफा ड्रा करो, ये पैटर्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये पैटर्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक एक करके एक पैटर्न को 20 दफा ड्रा करो, फिर दूसरे पैटर्न को 20 दफा ड्रा करो, फिर तीसरे पैटर्न को 20 दफा ड्रा करो, फिर चौथे पैटर्न को, ऐसे 6 पैटर्न को ड्रा करो, आपको सारे पैटर्न एक घंटे के अंदर फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, कभी ना भूलने वाले। इसका एक ही तरीका है, ड्रा करने से याद होगा, ये पढ़ने से याद नहीं होगा कि रेड ग्रीन रेड, ऐसे आंखें बंद करके पढ़ो कि रेड होगा फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर उसके बाद रेड होगा, ये भूल जाओगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखो हर चीज की मैं स्लाइड बनाता हूं, क्यों? हर एक की याददाश्त तेज भी नहीं होती, किसी को याद नहीं होते पैटर्न, ठीक है ना। पिछले दफा क्या हुआ, एक मेरा सेशन था, उसके अंदर मुझे इतनी परेशानी हुई सेशन में, एक बंदा था उसको रेड ग्रीन दिखता था, ग्रीन रेड दिखता था। क्या मजाक कर रहे हैं सर? कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। मुझे इतनी परेशानी हुई ना, फिर मैंने पूरा कोर्स पता नहीं कैसे पढ़ाया, वो मैं ही परेशान हो गया। मैं जो है ना, मैंने फिर क्या किया, कैंडल्स को कलर चेंज कर दिया, रेड को ब्लैक कर दिया, और ब्लैक को व्हाइट और ग्रीन को व्हाइट कर दिया। अब वो एक मेरे लिए एक अजीब बात हो गई कि अब मैं जो है ना व्हाइट कैंडल्स और ब्लैक कैंडल्स में पढ़ा रहा हूँ। दूसरे बंदों को भी जो है ना बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने फिर दोनों चीजें मैं सामने रखता था। तो ऐसा होता है कि इन कलर्स को जो है ना याद करने के लिए आप लोगों ने ड्रा करना है, ड्रा करने के बाद आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में सर, फिर वो सीख गया सर, वो बंदा, वो बंदा सीख गया, क्यों नहीं सीखेगा? हम जिसको सिखाएंगे वो नहीं सीखेगा, ऐसा हो सकता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रुप पे दे दीजिएगा फोटो। एक मेरा स्टूडेंट था, सबसे पहला स्टूडेंट, ठीक है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करूं।